आप छत्तीसगढ़ से आए हो राजवाड़ से जी पंजाब ललित कला अकेडमी की वर्कशॉप के लिए जी तो कब से कर रहे हो जो अपना आर्ट है ये मैम मेरे को 4 साल हो गए चार साल हो गए किसने सीखा था ये हमारे गुरुजी जो हैं अभी सहयोगी जो मेरे बैठे थे उनके पिताजी पंडित राम जी उन्हीं से वही मेरे गुरु हैं तो क्यों सोचा पहले क्या करते थे 4 साल पहले पहले पेंटिंग ही करता था मैम और लेकिन फाइन आर्ट में करता था तो डिग्री लिया है फाइन आर्ट से कि नहीं 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 मैम अच्छा शौक है शुरू से अच्छा तो फिर ट्रेडिशनल आर्ट में की तरफ कैसे रुझान हुआ ये मैम जैसे कि आप लोग में घर तरफ जैसे बनाते हैं चित्र वगैरह तो फाइन आर्ट में बनाता था मैं भगवान लोगों का या कुछ कुछ तो मेरे गुरु जी जो हैं घूमते घूमते आए देखे बोले अच्छा बनाता है तो बोले आप ये करके देखो तो सोना भाई जो हैं तो उनके कुछ रिलेशन में लगते थे तो बोले अपने ये जो शैली है इसमें काम करके देखो तो मिट्टी के जो करते थे काम भित्ती चित्र में तो मिट्टी का करते करते फिर बोले इसमें भी आके देखो करो फिर उन्हीं के साथ फिर करना चालू किया मैं तो क्या फ़र्क था जो तुम पहले काम करते थे और जो अब काम करते हो उसमें क्या फ़र्क है इसमें अच्छा लगता है मैम कि अपने मतलब छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है उसको हम दिखा सकते हैं तो किस तरह की चीज़ें किस तरह का कल्चर दिखाते हो अपने काम में जैसे मैम जी कर्मा नृत्य हुआ या अपने वातावरण के हिसाब से जैसे अपना है कल्चर उसी हिसाब जैसे गांव में जो चीज़ें हैं और तो कैसे करते हैं इस आर्ट को राजवार आर्ट को कैसे करते हैं मतलब उन्होंने बताया कि तुम मिट्टी से करते हो तो कितना मुश्किल लगा तुम्हें सीखना क्या काफ़ी मुश्किल था अनुभव तो मैम थोड़ा सा था बस थोड़ा सा दिक्कत गया थोड़ा सा इस ट्रेवल और फाइन में थोड़ी सी अंतर होती है उतना दिक्कत नहीं हुआ बाकी गुरुदेव मार्गदर्शन देते गए फिर करते गए तो अभी क्या क्या काम करते हो दीवारों के ऊपर ज़्यादा काम करते हो कि कैनवस और शीट पे भी काम करते हो मैम ज़्यादातर पेंटिंग थी अभी पेंटिंग करते हो तो वर्कशॉप में यहाँ जो वर्कशॉप थी यहाँ क्या बनाया तुमने यहाँ मैम कर्मा नृत्य क्या ही चित्र बनाया कर्मा नृत्य क्या कर्मा नृत्य जो फोक डांस जो खेलते हैं उसी पे काम तो उसमें लड़के लड़कियां साथ में डांस करते हैं तो थोड़ा बताओ किस तरह का पहले स्केच करते हो किसके ऊपर शीट के ऊपर जी जी अच्छा तो किस तरह के रंग होते हैं इसमें पोस्टर कलर भी होते हैं क्लेरिक कलर फैब्रिक कलर अच्छा जी और ज़्यादा ब्राइट होते हैं कि डल होते हैं कलर ब्राइट होते हैं ब्राइट होते हैं ओके और जो जैसे फिगर बनाते हो तो पहले स्केच करते हो फिर कलर भरते हो कि नहीं सीधा ही बनाते हो तो दोनों तरफ भी होती है मैम अगर समय कम है या कुछ अभाव है तो डायरेक्टली प्रिंट से हो जाती है अच्छा या फिर है समय तो स्केच कर लेते हैं तो स्केच करने से थोड़ा सा आसानी होती है तो जैसे मैं पहले आपके सहयोगी से भी बात कर रही थी कि आजकल जो पहले जैसे गाँव होते थे अब तो वो नहीं रहे बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं तो क्या आपके आर्ट में भी कुछ नई चीज़ें आई हैं क्या आप कुछ नई चीज़ें बनाते हो अपने इस आर्ट में भी राजवाड़ी आर्ट में इस आर्ट में मैम नहीं बनाते जो गुरुजी बताए हैं जो अपनी परंपरा की जो चलती है मैम उसी पे रहते उसी हैं उससे हट के नहीं जाते फिर। नहीं रहते तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का क्या ऐसा कल्चर है जो इस आर्ट में दिखता है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस आर्ट में दिखती हैं ये जो कर्मा नृत्य का जो मैंने बनाई है मैम ये जैसे त्यौहार होता है अपना कर्मा अच्छा ये भादों की इंजोरी में जो होता है जो बोलते हैं चांद का जो भादो मास में तो उसमें त्यौहार मनाते हैं कर्मा तो सब मतलब नृत्य करते हैं अपना खुशी मनाते हैं अच्छा अच्छा तो उसी पे तो इस आर्ट की बदौलत तुम काफ़ी जगह जाते भी हो वर्कशॉप वगैरह जी मैम इस आर्ट के बदौलत बहुत से जगह घूमने को मिला अच्छा और लोग कैसे क्या बोलते हैं आर्ट को देख के अच्छा लगता है मैम सब यहाँ कैसा लगा अच्छा लगा मैम लोगों ने काफी पूछा आपसे जी आपके आर्ट के बारे में जी तो आगे क्या करना चाहते हो आगे मैम बस माँ सरस्वती की दुआ से इसी में रहना चाहता हूँ आगे कुछ अपने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहता हूँ पर इससे पैसे बनते हैं कि कोई और काम करना पड़ता है जी मैम मतलब इस आर्ट से कमाई हो सकती है कि तुम्हें कुछ और भी काम खेती बाड़ी करनी पड़ती है कुछ और भी काम करना पड़ता है खेती बाड़ी मैम बरसात के समय में खेती बाड़ी भी देखना पड़ता है अपने को अच्छा क्योंकि सिर्फ पेंटिंग से तो पैसे नहीं बनते होंगे कि मिलते हैं मिलते हैं मैम तो बस साल में 2-3 बार निकलना होता है बस मैम कहाँ साल में 2-3 बार कहाँ जाते हो
जैसे कि भेज देते हैं सर कहीं कहीं अपने SCZCC से. अच्छा अच्छा अच्छा. जैसे जहाँ भेजे हैं सर अभी, जहाँ कोई वर्कशॉप हो या काम हो. पर रहते तुम गांव में हो. जी जी. और तुम्हारे जैसे कोई और भी यंग लड़के लड़कियाँ हैं जो करते हैं यार? हाँ, काफ़ी लोग हैं. काफ़ी लोग. और आगे छत्तीसगढ़ कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं इस आर्ट के बदौलत. और कुछ और बता सकते हो? पेरेंट्स मतलब माँ बाप से तो नहीं, कभी माँ बाप ने मना नहीं किया कि? नहीं मैम, वो शुरू से ही देखते थे. मेरे को बचपन से इस पेंटिंग का शौक था. तो शुरू से ही मेरे को पॉकेट मनी भी मिलता था, तो मैं स्केच उसकेज यही सब खरीदता था. तो उन्होंने मना नहीं किया? कभी मना नहीं किया कि नहीं नौकरी करनी चाहिए, कि ये नहीं करना चाहिए? शुरू में तो मम्मी पापा लोग पढ़ाना चाहते थे कि कुछ ऑफिसर बने, कुछ ये करे, लेकिन मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगता था. तो अभी पढ़ रहे हो कि पढ़ाई खत्म कर? पढ़ाई खत्म कर. पढ़ाई खत्म. तो अब सिर्फ फुल टाइम आर्टिस्ट? जी. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक. और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच.